keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with the remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई कहानी के साथ। कहानी पाठ एकता का बल, कक्षा चौथी। एकता यानी यूनिटी, बल अर्थात स्ट्रेंथ। बच्चों, एकता ही सब शक्तियों का मूल है। एकता में बड़ी शक्ति होती है। अकेले धागे को कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, परंतु अनेक धागों के मेल से बनी रस्सी नहीं टूटती। हमारा भारत देश भी एकता के बल पर अंग्रेजों से आजाद हुआ। एकता के बल से हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर पाते हैं। तो बच्चों, आज हम ऐसे ही कबूतरों की कहानी सुनेंगे जिन्होंने एकता दिखाई। कहानी की शुरुआत करते हैं। एक जंगल में बरगद के पेड़ पर बहुत सारे कबूतर अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वे दिन भर इधर उधर उड़ते, दाना चुगते और शाम होते ही अपने अपने घोंसलों में सभी लौट आते। बरसात का मौसम आया, कबूतरों को भोजन यानी खाना मिलना बहुत कठिन हो गया। एक बार कई दिन लगातार बरसात होती रही, इससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई। सारे कबूतर भूख के कारण व्याकुल हो गए। वो कोशिश करते पर भोजन कहीं न मिला। कठिन शब्द जंगल फॉरेस्ट, कबूतर पिजन, घोंसला नेस्ट, बरसात रेन, मौसम सीजन, भोजन फूड, व्याकुल बेचैन। एक दिन सुबह सूरज के दर्शन हुए यानी बारिश बंद हुई। कबूतर खुश होकर भोजन की तलाश में उड़ चले, इस आशा से कि उन्हें इस बार भोजन जरूर मिलेगा। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक जगह बहुत सा अनाज बिखरा हुआ दिखाई दिया। सारे कबूतर यह देख खुश हो गए। उसमें से एक कबूतर ने कहा, देखो यहाँ कितना अनाज है, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, चलो सभी भर पेट खाएं। लेकिन उन कबूतरों में एक बूढ़ा कबूतर बहुत समझदार था। उसने कहा, रुको, जंगल में एक ही जगह पर इतना सारा दाना कहाँ से आया, जरूर धोखा है। बूढ़े कबूतर ने यह बताकर दूसरे कबूतरों को सावधान किया। सुबह मॉर्निंग तलाश सर्च, अनाज ग्रेन्स बिखरा हुआ यानी फैला हुआ, धोखा यानी फ्रॉड। लेकिन कबूतर बहुत भूखे थे, उन्होंने बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी। पहले वो अपनी किसी तरह भूख मिटाना चाहते थे। सारे कबूतर नीचे उतरकर दाना चुगने लगे यानी दाना खाने लगे। लेकिन बूढ़ा कबूतर नीचे नहीं उतरा, क्योंकि उसे पता चल गया था कि यह किसी ने कबूतरों को फंसाने की चाल चली है। कठिन शब्द भूख हंगरी, चुगना यानी थोड़ा थोड़ा खाना, बूढ़ा ओल्ड। वह पास के पेड़ पर बैठ गया, वह यानी बूढ़ा कबूतर। जहां दूसरे कबूतर दाना चुग रहे थे, वहीं बगल के पेड़ पर बैठा देखने लगा। कबूतरों ने भर पेट अनाज खाया और इस तरह उन्होंने अपनी भूख मिटाई। जब वे उड़ने लगे तो उनके पंजे वहां बिछे जाल में फंस गए, वो उड़ नहीं पा रहे थे। कबूतर अपने पंख फड़फड़ाने लगे ताकि वो जाल से किसी तरह निकल पाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। कबूतर पूरी तरह से जाल में फंस गए थे। कठिन शब्द भर पेट यानी पेट भर, पंजा यानी पाव, पंख
यानी फेदर, फड़फड़ाना यानी फ्लटर। बूढ़ा कबूतर उड़कर उनके पास आया। कबूतरों ने बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी, फिर भी बूढ़ा कबूतर उनकी मदद के लिए उनके पास आया। उसने कहा, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो, सब एक साथ जोर लगाकर उड़ चलो। सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़ गए। शिकारी पेड़ के पीछे छिपा खड़ा यह सब देख रहा था। वह कबूतरों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक सारे कबूतर जाल लेकर उड़ गए। शिकारी कुछ दूर तक दौड़ा, पर वह उन्हें पकड़ नहीं पाया। फिर थक कर निराश होकर वह बोला, कबूतर तो हाथ आए नहीं, मेरा जाल भी हाथ से निकल गया। यानी कबूतर और जाल दोनों ही शिकारी के हाथ से निकल गए। कठिन शब्द, उड़कर, टू फ्लाई, हिम्मत, करेज, शिकारी, हंटर, छिपा, हाइड, पकड़ना, टू कैच, निराश, डिसअपॉइंटमेंट, जाल यानी नेट। चुनमुन चूहा बूढ़े कबूतर का मित्र था। वह उड़ते हुए कबूतरों को अपने साथ चुनमुन के पास ले गया, ताकि चूहा जाल से निकलने में कबूतरों की मदद कर सके। बूढ़े कबूतर ने अपने मित्र चुनमुन को पुकारा, उसे आवाज दी। चुनमुन मित्र की आवाज पहचानकर तुरंत बाहर आया। सच्चे मित्र वही होते हैं जो अपने मित्र की एक आवाज पर मदद के लिए आ जाए। चूहे ने वैसा ही किया। बूढ़ा कबूतर बोला, मित्र, जाल काटकर सबको मुक्त करो, यानी जाल से कबूतरों को आजाद कर दो। चुनमुन ने अपने साथियों के साथ मिलकर जरा सी देर में पूरा जाल कुतर डाला और कबूतरों को मुक्त कर दिया। यानी चूहों ने अपने दांत से जाल के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। इससे कबूतर जाल से आजाद हो गए। कबूतर चूहों को धन्यवाद देते हुए उड़ गए। कठिन शब्द, मित्र, फ्रेंड, धन्यवाद, थैंक्स, कुतरना यानी दांतों से काटना, मुक्त, आजाद। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किलें पड़ने पर घबराना नहीं चाहिए, आपस में मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि एकता में बड़ा बल होता है। संकट का सामना मिलकर करना चाहिए और सच्चा मित्र वही है जो संकट में काम आता है। तो बच्चों, इसी तरह हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।